नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2016 के 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है। संविधान पीठ के 4:1 बहुमत से लिए गए फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी और अनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरी। क्या है विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि? 8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। हालांकि इस कदम की व्यापक आलोचना हुई, जिसमें कई लोगों ने सरकार पर सुविधा और आर्थिक व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया। क्या है विमुद्रीकरण मामले की समय रेखा? 9 नवंबर 2016 को एक याचिका दायर करने के साथ उच्च मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगस्त 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक पेपर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1.7 लाख करोड़ रुपए की असामान्य जमा राशि नोटबंदी के दौरान हुई थी। RBI ने यह भी अनुमान लगाया कि विमुद्रीकरण के कारण बैंकिंग प्रणाली में अर्जित अतिरिक्त जमा राशि 2.8 से 4.3 लाख करोड़ रुपए की सीमा में थी। जुलाई 2017 में आयकर विभाग ने घोषणा की कि उसने पिछले 3 वर्षों में खोजों, बरामदगियों और सर्वेक्षणों के माध्यम से लगभग 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। नोटबंदी के मामले की वैधता पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में संविधान पीठ का गठन किया था। दिसंबर 2022 में कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और केंद्र सरकार और RBI को उसके अवलोकन के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के फैसले में 500 रुपए और 1000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं थी और आर्थिक नीति के मामलों में बड़े सन्मय का प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह अपने निर्णय की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका के विवेक को दबा नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए इन न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।